राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट द कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का चौथा सवाल बहुत ही सिंपल डीपी का क्वेश्चन, ठीक है? अगर आपने हमारा डीपी वाला प्लेलिस्ट फॉलो किया होगा तो ये मतलब आराम से आप कर सकते हो, ठीक है? और अगर बेसिकली भी डीपी आता है तो ये बहुत सिंपल चॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक बार अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आपको एक फ्लोर दिया हुआ है, ठीक है? 1D फ्लोर है, उसमें दो तरह के टाइल्स हैं, या तो ब्लैक टाइल है या फिर व्हाइट टाइल है, और आपके पास एक ब्लैक कलर का कारपेट भी है। आपको क्या करना है ना कि इन ब्लैक कलर के कारपेट को अपने फ्लोर पे बिछाना, सच दैट कि जो नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स जो विजिबल है वो मिनिमाइज हो सके, राइट? तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आपके पास व्हाइट टाइल्स है और कुछ यहाँ पर आपके पास ब्लैक कारपेट थे। आप उन ब्लैक कारपेट को कुछ इस तरीके से स्प्रेड किए, ठीक है, कि तीन व्हाइट टाइल्स आपके छुप गए, स्टिल आपके दो व्हाइट टाइल्स विजिबल है, तो इट कैन बी प्रूवन कि इससे कम व्हाइट टाइल आप विजिबल नहीं रख सकते, ठीक है? यहाँ पर से दो टाइल विजिबल है, आप कुछ भी करके ऐसा नहीं कर सकते कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइल व्हाइट टाइल विजिबल हो या फिर कोई भी व्हाइट टाइल विजिबल ना हो, ठीक है? तो आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स कितना विजिबल हो सकता है, ठीक है? तो अगर सिंपली अपन बात करें, और हाँ एक चीज और बेकार सा जानकारी दिया हुआ है कि कारपेट्स में ओवरलैप, जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने यहाँ पर एक ब्लैक कारपेट बिछाया फर्स्ट, और उसके बाद फिर दूसरा वाला जो बिछाया है उसके ऊपर ओवरलैप हो गया, ठीक है? और ओवरऑल आप देखें यहाँ पर तो सारे ही सारे व्हाइट टाइल्स थे, और सारे ही सारे व्हाइट टाइल्स के ऊपर आपने ब्लैक कारपेट बिछा दिया है, ठीक है? तो आपका एक भी व्हाइट टाइल दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर जीरो रिटर्न करना है। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स जितना विजिबल हो सकता है आफ्टर गिवन एन नंबर ऑफ कारपेट जो कि आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और हर एक कारपेट का लेंथ भी गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। तो इसमें एक बार चॉइस डायग्राम से अपन बात करते हैं, बहुत आराम से डिड्यूस करेंगे कि एक चीज को अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। यहाँ पर आप देखना कि अगर आपको कोई भी टाइल कोई भी आपको टाइल मिला, ठीक है, आपको वो टाइल अगर ब्लैक मिला, ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका स्टार्टिंग सेल जो है वो ये वाला सेल होता है, ठीक है, तो आपको ब्लैक सेल मिला, राइट? तो आपको उसको कवर करने का जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, सीधा सीधा आगे बढ़ जाओगे, I+1 आगे बढ़ जाओगे आप, ठीक है? और दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपको व्हाइट सेल मिला है, ठीक है, व्हाइट सेल मिला है, तो व्हाइट सेल मिला है मतलब कि सॉरी व्हाइट टाइल मिला है, अगर आपके पास कारपेट है, ठीक है, ये तो बेस कंडीशन बन जाएगी कि कारपेट है या नहीं, उसके बारे में अपन बाद में बात कर लेंगे। यहां पर तक अगर हम पहुंच रहे हैं इसका मतलब कि अभी हमारे पास कारपेट है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम केस कर सकते हैं कि कारपेट बिछा लेंगे, ठीक है, कि हमने कारपेट वो वाला इस्तेमाल कर दिया और इस व्हाइट टाइल को ढक दिया, ठीक है? तो अगर हमने इस कारपेट का इस्तेमाल किया इस व्हाइट टाइल को ढकने का, जैसे कि यहां पर आप देखो यहाँ पर हमने इस व्हाइट टाइल को ढकने के लिए एक कारपेट बिछा है, ठीक है, तो कारपेट बिछेगा तो उसके आगे वाला भी व्हाइट टाइल कवर हो जाएगा, ठीक है? वैसे ही आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इस व्हाइट टाइल को कवर करने के लिए एक कारपेट बिछा है, पर उसका लेंथ है 3, तो उसके आगे वाले भी 3 लेंथ तक में जितने भी आपको व्हाइट मिल जाएंगे वो सब भी तो आपस में कवर हो जाएंगे, राइट? तो ये हो गया बात। तो एक आपने डिसीजन लिया कि आपके पास कारपेट है अभी भी अवेलेबल बिछाने के लिए, और आपने कारपेट बिछा दिया, कारपेट आपने बिछा दिया, ठीक है, और आप कारपेट बिछा दिए, जैसे जैसे कि यहाँ पर आपने कारपेट बिछा दिया, तो फिर आप इसके जैसे कि यहाँ पर 3 लेंथ था, तो 3 लेंथ तक के लिए तो आप संतुष्ट हो गए कि अब यहाँ पर तो मुझे कुछ करना नहीं, इसके बाद फिर मैं देखूंगा कि कारपेट बिछाने का जरूरत पड़ रहा है या नहीं, ठीक है? इसके बीच में कुछ भी हो तो आपस में ढक ही चुका है, यहाँ पर आपको चिंता करने का बात नहीं है, ठीक है? दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपको व्हाइट सेल तो मिला बट यू डिसाइडेड टू स्किप दैट सेल, ठीक है, यू डिसाइडेड टू स्किप दैट सेल कि नहीं मैं इसको कवर नहीं करूंगा, ठीक है? अब इसके लिए क्या उपाय हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ही अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको व्हाइट सेल मिला, यहाँ पर एक केस हो सकता था कि आप यहाँ पर एक कारपेट बिछा देते, ठीक है, आपने बोला कि नहीं मैं यहाँ पर कारपेट नहीं बिछाऊंगा, मैं इसको स्किप कर जाऊंगा, ठीक है, आगे बढ़ गए आप, स्किप कर गए यहाँ पर, आप स्किप कर गए। अब जैसे ही आप यहाँ पर स्किप किए, ठीक है, आप इस सेल पे ये आपको ब्लैक मिला, आप बोले कि ठीक है ब्लैक है तो इसको तो कवर करने का जरूरत है नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आप अगेन आप आ गए, यहाँ पर आपको व्हाइट सेल मिला, अब आपने बोला कि ठीक है यहाँ पर मैं बिछाऊंगा, तो
तो जैसे ही आपने बिछाया, आप आगे वाले दो सेल से तो संतुष्ट हो गए, कुछ भी हो जाए व्हाइट है, बहुत अच्छी बात है कि व्हाइट आ गया है। व्हाइट अगर नहीं भी होता, ब्लैक भी होता, तो हमें तो मतलब इतने सेल से तो अपन निश्चिंत हो गया ना, कुछ भी हो नहीं हो, कारपेट बिछ चुका है, व्हाइट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। फिर अपन इसके नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे, मतलब जितने को इसने कवर कर दिया इस कारपेट ने, उसके अगले वाले इंडेक्स से अपन चालू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आए अपन, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो कारपेट है, सॉरी ये जो टाइल है वो ब्लैक है। तो क्योंकि ये ब्लैक टाइल है, अपन ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको कवर नहीं करेंगे। ठीक है, लाजमी बात है, ब्लैक टाइल को क्यों कवर करें अपन। फिर इधर अपन आए, यहाँ पर हम लोग को व्हाइट टाइल मिला, वी डिसाइडेड टू स्किप। ठीक है, स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर से अगेन इसको स्किप किया अपन, इधर आए, यहाँ पर अगेन हमें ब्लैक मिला, क्या कर सकते हैं, ब्लैक मिला, तो ब्लैक का तो अपन ने पहले डिसाइड किया, यहाँ पर कारपेट बिछाने का को कोई मतलब नहीं है। इधर आए अपन, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारे पास एक कारपेट बचा हुआ है और ये एक व्हाइट सेल है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बिछा सकते हैं। ठीक है, तो ये रिकर्सिवली एक ट्री बनेगा। यहाँ पर तो बहुत मैंने रैंडमाइज कर दिया, ये टोटल एक चॉइस डायग्राम जो है वो प्रॉपरली एक जो रिकर्सिव ट्री होता है उसी तरीके से चलेगा। अगर आपको ब्लैक मिलेगा तो आप क्या करोगे, आप स्किप कर जाओगे। अगर आपको व्हाइट मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो कि आप वहां पर से एक कारपेट बिछा दो, दूसरा आप क्या काम कर सकते हो कि आप उस सेल को स्किप कर जाओ। ठीक है, आप बोलो कि नहीं व्हाइट तो है पर आई विल नॉट स्प्रेड आउट द कारपेट। ठीक है, बेस कंडीशन क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कि आप इस जो फ्लोर है उसके स्कोप से ही बाहर चलिए, मतलब इस एरे से आप बाहर चलिए। तो मतलब इसका लेंथ अगर एन मान लेते हैं तो अपन एन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू एन तक आप चले गए। ठीक है, ये यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब आप इसके स्कोप से बाहर चल गए, आपका इटरेटर जो भी आई था मूव करने वाला वो उसके स्कोप से बाहर चल गया, तो यहाँ पर ये एक बेस कंडीशन हो गया। दूसरा बेस कंडीशन क्या हो जाएगा कि आपने जितने भी कारपेट थे, जितने भी नंबर ऑफ कारपेट थे आपके, वो जीरो हो चुके हैं, मतलब आपने सबको इस्तेमाल कर लिया। नंबर ऑफ कारपेट जितने थे आपको, आपने पूरे के पूरे नंबर ऑफ कारपेट को आपने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाओ वैसे वैसे आप माइनस वन करते जाओगे, तो आपने पूरे जितने भी कारपेट था उसको आपने बिछा दिया। तो इन दोनों ही केस में आप क्या करोगे, ये आपका बेस कंडीशन हो जाएगा। अगर ये दोनों केस रीच हो चुका है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आप किसी भी व्हाइट सेल को कवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां से रिटर्न जीरो कर देंगे। ठीक है, और इन सभी केस में अपन क्या रिटर्न करेंगे कि मैक्सिमम कितने व्हाइट सेल को अपन कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर इस रिकर्सिव ट्री से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि कितने मैक्सिमम व्हाइट सेल को अपन कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने व्हाइट सेल को अपन कवर कर सकते हैं। और इधर अपन एक बार इस एरे में ट्रेड करके देख लेंगे कि कितने व्हाइट सेल थे। ठीक है, इधर जैसे कि अपन मान सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 व्हाइट सेल था, 5 व्हाइट सेल था, और मैक्सिमम आप 3 व्हाइट सेल को कवर कर सकते हैं, तो कितने व्हाइट सेल मिनिमम बच जाएंगे जो कि स्टिल विजिबल होंगे, 2। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5, 5 व्हाइट सेल थे, और आप कितने व्हाइट सेल को मैक्सिमम कवर कर सकते हो, पांचों के पांचों को आप कवर कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो या दिस इज द केस। अब इसी पे थोड़ा सा मेमोराइजेशन लगा देंगे, बस यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा, और जिस तरीके से अपन ने बात किया था बिल्कुल उसी तरीके से कोड भी चलने वाला है। बस यहाँ पर आपको नंबर ऑफ व्हाइट सेल्स कितने हैं वो निकालने के लिए एक मैं प्रीफिक्स एरे का इस्तेमाल करूंगा, और जो कि जस्टिफाइड है आपको समझ में आ जाएगा, वो भी मतलब अपन करते हैं हैशिंग वगैरह में तो उस तरीके का बहुत सारा अपन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो एक मैं कोड आपको दिखा देता हूँ, पता नहीं यहाँ पर क्यों मेरे कॉन्टेस्ट में मेन वाला फंक्शन ही नहीं काम कर रहा था जो होता है नॉर्मल, तो यहाँ पर मुझे अलग से डिफाइन करना पड़ा नेवरलेस। और यहाँ पर जो मैं प्रीफिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ उसको भी यहीं पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रीफिक्स एरे किस तरीके से होगा अपना, यहाँ पर एक बार मैं बता देता हूँ। इसमें अपन स्टोर करेंगे कि उस सेल तक आपको कितना व्हाइट सेल मिला है। ठीक है, जैसे कि एक मैं बना देता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सेल तक आपको कितना व्हाइट सेल मिला है, 1। सेकेंड सेल तक आपके पास कितना व्हाइट सेल है, 1 ही है। थर्ड सेल तक, 2। इसी तरीके से फोर्थ सेल तक, 3। फिफ्थ सेल तक अगेन 3। उसके बाद अगले सेल तक 4, अगले सेल तक 4, और फिर अगले सेल तक 5। ठीक है, तो
तो आपके पास टोटल 5 वाइट सेल्स है, और आप यहाँ पर क्या स्टोर कर रहे हो कि एट टिल दिस आईएथ इंडेक्स आपके पास कितना व्हाइट सेल है, ठीक है, आईएथ इंडेक्स तक आपके पास कितना व्हाइट सेल है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि आप यहाँ पर आ गए, जैसे कि यहाँ पर आप आ गए, तो यहाँ पर जैसे ही आपने कारपेट बिछाया, ठीक है, तो आपने क्या किया कि कुछ सेल को कवर कर दिया। आपको पता करना है कि उसके अंदर में कितने व्हाइट सेल आपके चल गए अंदर, ठीक है। तो इसको पता करने का क्या तरीका है कि आप इस प्रीफिक्स ऑफ आई प्लस लेंथ, और लेंथ क्या होने वाला है आपका, लेंथ होने वाला है कारपेट का लेंथ -1, ठीक है। जैसे आई एथ इंडेक्स पर आप हो, अभी यहाँ पर आप यहाँ पर हो 0 1 2 2 वाले इंडेक्स पर हो, 2 + 2 - 1, मतलब आप थर्ड इंडेक्स पर चले जाओ, और उस इंडेक्स तक जितना भी वाइट है, उस इंडेक्स तक जितना भी वाइट है माइनस इस इंडेक्स पे, मतलब आई से पहले तक जितना भी वाइट था, आई से पहले तक जितना भी व्हाइट था, जैसे आई से पहले तक कितना व्हाइट था, 1 व्हाइट था, इतना व्हाइट इस बीच में चल गया, कब गया, मतलब कारपेट बिछाने से इतना व्हाइट आपका बीच में चल गया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कि आपने जहां से कारपेट बिछाया, तो जो एंड सेल आपका कारपेट के लपेटे में है, ठीक है, उस सेल तक कितने व्हाइट थे आपके, कितने व्हाइट थे, और यहाँ पर से आपने कारपेट बिछाना चालू किया उससे पहले कितने व्हाइट थे। अगर आप इन दोनों को डिफरेंस निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आई से लेके जितना टोटल लेंथ ऑफ कारपेट बिछा है उसके बीच में कितना व्हाइट है, ठीक है। ये चीज आपको मिल जाएगा प्रीफिक्स एरे बनाने से। तो बस क्योंकि हर बार जैसे कि आप यहाँ पर से बिछाओगे कारपेट, तो आपको एक क्या करना पड़ता है, यहाँ से आपको चेक करना पड़ता है कि यहाँ पर से आप कारपेट बिछा रहे हो तो कितना व्हाइट सेल आपका कवर हो जा रहा है। तो हर बार एक ये इटरेटिव काम करना पड़ता है, उसके जगह पे हमने क्या कर दिया, एक प्रीफिक्स एरे बना के सब स्टोर कर लिया, ठीक है। अब बस कोड भी बिल्कुल सिंपल होने वाला है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन ब्रेक डाउन किया उसी तरीके से कोड भी ब्रेक डाउन हो जाएगा बहुत आराम से। और अगर आप समझ चुके हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से ही लिख लो, हमारा डीबी वाला प्लेलिस्ट अगर आपने फॉलो किया है तो अगेन आपसे आराम से हो जाएगा। सबसे पहले अपन ने देखा एक ये डीपी एरे अपन ने डिक्लेयर किया है, अगेन ये मेमोराइजेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ उन सब पार्ट को जहां पर अपन रिकर्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने पास कर दिया ये रिकर्सिव कोड, ठीक है, ये रिकर्शन मैंने फंक्शन कॉल किया है। अगर मेरा आई ग्रेटर देन इक्वल टू फ्लोर डॉट साइज, ठीक है, अगर मेरा जो इटरेटर है जिससे मैं फ्लोर मतलब जो टाइल्स पे मैं इटरेट कर रहा हूँ, वो अगर मेरे स्कोप से बाहर चल गया है, तो वहाँ केस में रिटर्न 0 कि अब आप और कोई भी फर्दर व्हाइट सेल कवर नहीं कर सकते, या फिर एन आपका 0 हो चुका है, मतलब जितने भी आपके पास कारपेट थे आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो उस केस में आपको रिटर्न 0 कर देना है। एल्स एक क्या केस बन सकता है, एक ये केस बन सकता है कि आप अभी जिस सेल पे हो वो है 0, ठीक है। तो 0 सेल पे हमने डिस्कस किया कि अपन स्किप कर जाएंगे, वहां पर अपन कारपेट नहीं इस्तेमाल करेंगे, स्किप कर जाएंगे, अगले सेल पर चले जाएंगे। और दूसरा दूसरा अपन ने क्या केस डिस्कस किया कि क्या हो सकता है कि हम लोग मतलब एक तो ब्लैक सेल मिल गया, और अगर ब्लैक सेल नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हाइट सेल मिल गया। तो व्हाइट सेल में हम लोग क्या दो डिसीजन ले सकते हैं, एक कि हम कारपेट इस्तेमाल करेंगे और वहां पर बिछा देंगे, तो उसके बीच में कितने व्हाइट सेल खपे, तो उसको अपन निकालेंगे इस तरीके से आई प्लस लेंथ, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आई प्लस लेंथ करने से आप अगेन एरे के मतलब प्रीफिक्स एरे के स्कोप से ही बाहर चल जाओ, ठीक है। तो उधर आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा फ्लोर डॉट साइज, ठीक है, जो भी दोनों में से छोटा हो, मतलब -1 करके, क्योंकि आप एरे से आउट ऑफ स्कोप नहीं हो, बेसिकली यही चीज है। और अगेन बस आप उसको कर लेना है, अगर आई का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप जहां पर एरे से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा यहाँ पर थे अपन, ठीक है, तो यहाँ पर इसके पीछे में कोई इंडेक्स था तो यहाँ पर अपन माइनस कर पा रहे थे। अगर ये आई यहीं पर से 0 होता तो यहाँ पर पीछे से कुछ माइनस करने का जरूरत नहीं था, ठीक है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स था बस। और अगेन एक कंडीशन हो गया कि हमने कारपेट बिछा दिया तो जितने व्हाइट है उतने तो कवर हो गए उसके बीच में जितने भी है, और यहाँ पर से आप देख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया कि अब क्योंकि आई से लेके आई प्लस लेंथ -1 तक, आई प्लस लेंथ -1 तक का तो मैंने कवर कर दिया, मैंने इंतजाम कर दिया, तो अब अगला सेल मुझे किसको देखना है, आई प्लस लेंथ को देखना है, ठीक है। तो आई प्लस लेंथ पे मैं इटरेटर को भेज दूंगा। अब मैंने एक कारपेट को इस्तेमाल कर लिया है तो यहाँ पर मैं एन -1 कर दूंगा। अब लेंथ मेरा है जो कि लेंथ ऑफ अ कारपेट है, और ये प्रीफिक्स है जो कि अगेन मैंने यहाँ पर किया है। और दूसरा एक कंडीशन हो सकता था कि मैं कारपेट
कारपेट तो है मेरे पास पर मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो मैं उस व्हाइट सेल को स्किप करके अगले व्हाइट सेल पे चला जाऊंगा। और यहाँ पर मैंने एक कारपेट भी नहीं इस्तेमाल किया, तो वहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेंथ प्रीफिक्स एज यूजुअल। और यहाँ पर से अपन क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे कि कितने मैक्सिमम व्हाइट सेल हमारे कवर हो रहे हैं, ठीक है, कितने मैक्सिमम व्हाइट सेल हमारे कवर हो रहे हैं, और यहाँ पर से अपन इसको रिडन कर देंगे। और बस उसी को अगर आप देखो तो मैंने एक डीपी एरे बना के इसको स्टोर किया है, जैसे कि अपन एज यूजुअल मेमोराइजेशन में करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर प्रीफिक्स एरे भी आपको दिख रहा होगा, जिसका साइज है, मतलब जो फ्लोर एरे आपका दिया हुआ है, फ्लोर स्ट्रिंग आपका दिया हुआ उसके साइज का है, और उस पर अपन ने स्टोर किया है कितने वन है उस इंडेक्स तक। और अगर ऐसा केस हो जाता है कि आपके पूरे के पूरे टाइल्स ब्लैक ही हैं, तो उस केस में तो आप सीधा सीधा बिना किसी इस्तेमाल के आप बोल दोगे कि आपके पास एक भी वाइट नहीं है, तो कितना वाइट विजिबल होगा, जीरो। और दूसरा क्या केस हो सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइट आपके जितने थे माइनस जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइट सेल को आप कवर कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। और यहाँ पर अपन ने मेमोराइजेशन लगा दिया आई वर्सेस एन का। आई क्या है आपका, इटरेटर है जिससे आप अपने स्ट्रिंग में ट्रेड कर रहे हो, और एन क्या है, नंबर ऑफ कारपेट, इसका अपन कर लेंगे मेमोराइजेशन। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा मेमोराइजेशन वगैरह, तो आप हमारे डीपी के प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, ये सब बहुत आराम से, मतलब इंट्यूटिवली, अगर आप रिकर्शन लिख पा रहे हो तो मतलब समझ लो कि डीपी खत्म हो चुका है आपके लिए, ठीक है। बस थोड़ा सा लिखना होता है मेमोराइजेशन के लिए, जो कि आप आराम से लिख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है समझ में होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, और या फिर सोशल मीडिया पेजेस के भी हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उधर से आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।